Each seminiferous tubule lined on its inside by male germ cells, interstitial cells, cladic cells and Sertoli cells. देखिए मेल जर्म सेल्स आर व्हाट परमेटोगोनिया परमेटो परमेटोगोनिया हम पढ़ते हैं ना जर्मिनल एपिथीलियम होती है जर्मिनल जर्मिनल एपिथीलियम जर्मिनल एपिथीलियम है तो जर्मिनल एपिथीलियम में कौन प्रेजेंट है जर्मिनल एपिथीलियम में मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम क्या बोलते हैं परमेटोगोनिया भी बोलते हैं यानी ये तो प्रेजेंट है ठीक बात है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर से किस चीज से लाइंड है देखो स्पर्म प्रोडक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है तो कहाँ किस चीज से लाइंड होगा ऑफ कोर्स मेल जर्म सेल से लाइंड होगा ठीक है उसके बाद में इंटरस्टीशियल सेल्स जो है ये आउटर स्पेसिस में प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो इंटरस्टीशियल स्पेस बच गई वहां पे इंटरस्टीशियल सेल है इसका नाम ही इंटरस्टीशियल सेल इसलिए और इसका दूसरा नाम क्या है लेडिक सेल तो ये दोनों तो नहीं है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो लाइनिंग है उसमें प्रेजेंट नहीं होते और सर्टोली सेल्स होते हैं फॉर न्यूट्रिशन ठीक है ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आपसे पूछा गया बेसिकली लोकेशन आपको पूछना चाह रहा है कि आपको लोकेशन मालूम है कि नहीं तो लोकेशन हमें मालूम है ए एंड डी इज अ करेक्ट मैच तो बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर से किससे लाइंड होगा किसे लाइंड होगा मेल जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स इंटरस्टीशियल सेल या लेडिक सेल जो है ये बाहर की स्पेसिस में प्रेजेंट होते हैं और जो अदर अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं वो भी कहाँ होंगे आपके बाहर की इंटरस्टीशियल स्पेस में स्पर्म प्रोडक्शन वाली जगह पे केवल कौन होगा मेल जर्म सेल्स या सर्टोली सेल्स जो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी ए एंड डी